हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ हमारी क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक की चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर को। इसके ऑथर हैं ग्रैंडन कुक एंड एलन ईस्ट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले ऑथर ने एक इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें वो बताते हैं कि ये टाइम था जुलाई 1976 का, जिनमें ऑथर, उनकी वाइफ मैरी, उनका जो बेटा था जोनाथन जो 6 साल का था और उनकी डॉटर जो थी सुजैन जो 7 साल की थी, वो सभी एक सी वोयेज पे निकलते हैं प्लायमाउथ इंग्लैंड से और वो डुप्लीकेट करना चाहते थे कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को जो कि उन्होंने 200 साल पहले पूरी की थी, जिसमें उन्होंने पूरी वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था अपनी बोट में। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन थे जिनका हमेशा एक सपना था कि वो कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को रिपीट कर सकें और वो पिछले 16 सालों से अपने फ्री टाइम में अपने जो स्किल्स थी एक सी वोयेज से रिलेटेड उन्हें डेवलप करने में लगाए थे। उनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर जो कि एक 23 मीटर्स वाइड बोट थी और उस बोट का वेट 30 टन्स था और वो पूरी वुड से बनी हुई थी और बहुत ही प्रोफेशनली बनी हुई थी और उन्होंने खुद उस पे काफी महीनों तक काम किया था उसकी फिटिंग पर और उसे टेस्ट करने में कुछ रफेस्ट वेदर्स में जो उन्हें आसपास मिलती थी। अब ऑथर डिस्क्राइब करते हैं अपनी जर्नी को जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने प्लान किया था कि उनकी जर्नी 3 ईयर्स की होगी और जो जर्नी का फर्स्ट स्टेप था जो कि 1,05,000 किलोमीटर्स का था वो बहुत ही अच्छे से पास हुआ, जिसमें वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक गए थे। इसके बाद उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था और ईस्ट में क्योंकि वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज आते हैं जो कि है द साउथ इंडियन ओशंस, तो उस एरिया को टैकल करने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमेंस अमेरिकन लैरी विर्जिल एंड स्विस हर्ब साइगलर को ले लिया था। इसके बाद केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन से ही उन्हें स्ट्रॉन्ग विंड्स को काउंटर करना पड़ रहा था और अगले कुछ हफ्तों तक ऐसी ही बहुत ही तेज विंड्स चलती रही थी। पर ऑथर बताते हैं कि ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड्स उनकी चिंता का कारण नहीं थी बल्कि जो साइज ऑफ वेव्स थी वो बहुत ही बढ़ चुकी थी, वो एक्चुअल में उनकी चिंता का कारण बन रही थी क्योंकि वो 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंची जा रही थी जो कि एक्चुअल में उनके मेन मास्ट से भी ज्यादा था। मेन मास्ट एक बोट का जो सेंटर पोल होता है वो होता है। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि दिसंबर 25th को जब वो 3,500 किलोमीटर ईस्ट आ चुके थे केप टाउन से, तभी जो वेदर थी वो बहुत खराब हो चुकी थी पर फिर भी उनकी जो हॉलीडे थी वो बहुत ही अच्छी जा रही थी। 25 दिसंबर को मतलब क्रिसमस के दिन उन्होंने क्रिसमस ट्री भी लगाया था और उसके बाद जब न्यू ईयर डे आया तब वेदर में कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं थे, वेदर चेंज जरूर हो रही थी पर और खराब होने के लिए। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो जनवरी 2 था तब वेव्स की साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और फिर उन्होंने अपने जो सारे स्टॉर्म जिब्स होते हैं उसको उन्होंने हटा दिया था और सिर्फ एक स्मॉल स्टॉर्म जिब ही लगा हुआ था, फिर भी विंड्स इतनी फास्ट थी कि वो फिर भी 8 knots की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। जो शिप थी वो कंटिन्यूसली वेव्स के ऊपर जा रही थी और जब वो वेव्स के ऊपर जा रही थी तब उन्हें बहुत ही वास्ट एनॉर्मस ओशन को देखने को मिल रहा था जो कि कंटिन्यूसली उनकी तरफ आ रहा था और जो विंड थी वो इतनी तेज थी कि उनके कानों में दर्द हो रहा था उस विंड की आवाज से। और अब बोट की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए वो अपने आखिरी स्टॉर्म जिब को भी हटा देते हैं और इसके बाद वो कुछ हैवी रोप से पूरे स्टर्न के एरिया को सराउंड लूप से कर देते हैं ताकि उसे स्ट्रेंथ मिल सके। स्टर्न का मतलब होता है रियर पार्ट ऑफ द शिप। इसके बाद वो सभी चीजों को डबल लैश कर देते हैं मतलब अच्छे से बांध देते हैं और उसके बाद वो अपने लाइफ राफ्ट ड्रिल को भी चेक कर लेते हैं और जो लाइफ लाइन्स होती है मतलब जो रोप्स होती है उसको अपने आप से अटैच कर लेते हैं ताकि बाद में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हो और साथ ही में वो लाइफ जैकेट्स भी पहन लेते हैं और फिर इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट डिजास्टर जिसमें शाम के 6 बजे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, विंड स्पीड बहुत गिर जाती है और जो स्काई होता है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है। तभी उन्हें दिखता है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा क्लाउड आ रहा है पर जब वो क्लाउड बहुत पास आता है तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में कोई क्लाउड नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ी वेव थी जो कि एक्चुअल में डबल थी पुरानी वेव्स के कंपैरिजन में जो उन्हें बहुत बड़ी लग रही थी और वो बिल्कुल ही सीधी थी और वो सीधा आके उनकी शिप से टकरा जाती है। पहले तो ऑथर को लगता है कि उनकी शिप जो है वो उस वेव से निकल जाएगी पर बाद में बहुत ही जोरदार धमाका होता है
और उससे उनका डेक पूरी तरीके से टूट जाता है। जो वाटर होता है वो पूरी तरीके से उनकी शिप के अंदर आने लगता है और जो ऑथर है उनका जो सर है वो सीधा जाके व्हील से टकराता है, जो व्हील होता है डायरेक्शन देने के लिए एक बोट में, और उसके बाद वो सीधा अपनी शिप से बाहर गिर जाते हैं और वेव्स में डूबने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी डेथ बहुत ही नजदीक है और वो कॉन्शियसनेस भी लूज करने लगते हैं। तभी एकदम से वो पानी के बाहर आते हैं। जब वो वेव वॉकर से कुछ मीटर्स की दूरी पर होते हैं तभी वो देखते हैं कि जो वेव वॉकर है उसे वेव्स ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है और उसका जो मास था वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टली गिर चुका है। तभी वो वेव्स के कारण जब बोट आगे जा रही होती है तभी उनकी जो लाइफलाइन होती है जो उन्होंने पहले अटैच कर ली थी अपने आप से वो टाइट हो जाती है और उस लाइफलाइन की हेल्प से वो बोट की तरफ जाते हैं और गार्ड रेल्स के थ्रू वो बोट के अंदर आ जाते हैं। पर क्योंकि अब वेव्स से सारा पानी बोट के अंदर आ रहा होता है तो वो वेव्स के कारण बोट के अंदर ही एक डॉल की तरह इधर से उधर टकरा रहे होते हैं जिसके कारण उनकी लेफ्ट रिब भी क्रैक हो जाती है। उनका जो मुंह होता है वो पूरी तरीके से खून और टूटे हुए दांतों से भर जाता है। साथ ही में बहुत ही मुश्किल से वो किसी तरीके से एक व्हील को ढूंढते हैं जिससे डायरेक्शन देते हैं वो अपनी बोट को और अगली वेव के लिए अपनी बोट को तैयार करते हैं। पर जब उन्हें फील होता है कि उनके नीचे शिप में पानी भर चुका होता है पर उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है जाके चेक करने की क्योंकि वो व्हील को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तभी सामने वाले डेक से एकदम से जोर से डोर के खुलने की आवाज आती है और वहां से मैरी जो उनकी वाइफ होती है वो आती है और वो जोर से चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं। जो डेक है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और अंदर पानी भरता जा रहा है। तभी जो ऑथर होते हैं वो मैरी को कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए व्हील को संभालें। तभी वो देखते हैं कि जो लैरी और हर्ब होते हैं जो कि क्रूमेंस होते हैं वो पागलों की तरह पानी को बाहर फेंक रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि जो क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टेंस और टॉयज जैसी बहुत सारी चीजें पानी में तैर रही थी और बहुत ही मुश्किल से वो अपने बच्चों के कैबिन तक जाते हैं और वहां जाकर पूछते हैं कि क्या वो दोनों ठीक हैं। तभी ऊपर से रिप्लाई आता है ऊपर वाले बंक से कि वो दोनों ठीक हैं पर सुजैन जो थी उसके सर पर थोड़ी सी चोट आ गई है जिसके कारण उसके सर पर एक बहुत ही बड़ा बम्प आ चुका है उसकी आंख के बिल्कुल ऊपर। पर क्योंकि अभी ऑथर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो वो फटाफट हैमर, स्क्रूज और कैनवस जैसी चीजें ढूंढते हैं और फटाफट जो स्टार बोर्ड का साइड है जो पूरी तरीके से टूट चुका है उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि हर वेव के साथ अंदर पानी नहीं आए। और क्योंकि अगर वो उसे रिपेयर नहीं करते हैं क्योंकि काफी सारा पानी अंदर आ जाएगा तो उनकी बोट डूबने की कगार पर आ जाएगी। पर किसी तरीके से वो मैनेज करते हैं स्टार बोर्ड के साइज साइड पर एक कैनवस को स्ट्रेच करना और उसे वाटरप्रूफ कर लेते हैं ताकि वो जो स्टार बोर्ड का साइड है उसके जो सारे होल्स हैं और जो साइड टूट चुका है वो उसे वाटरप्रूफ कर सकें। और इस तरीके से वो काफी सारा पानी अंदर आने से रोक लेते हैं। पर उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है हैंडपंप्स की जो कि ब्लॉक हो जाते हैं आसपास मलबे के कारण और जो उनका इलेक्ट्रिक पंप होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है पानी के कारण। अब जो वाटर लेवल है शिप के अंदर वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है अलार्मिंग रेट से और तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास दो स्पेयर पंप्स भी है। तब वो उन्हें लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो दोनों स्पेयर पंप्स हैं वो पूरी तरीके से पानी के कारण टूट चुके हैं और साथ ही में उनके जो सेल्स, जिब्स और जो मेन एंकर था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसके बाद उन्हें याद आता है कि चार्ट रूम के फ्लोर पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पंप भी रख रखा है तो वो फटाफट उसे कनेक्ट करते हैं एक आउट पाइप से और फिर वो देखते हैं कि वो एक्चुअल में काम कर जाता है और वो इसके लिए बहुत ही थैंकफुल होते हैं। इसके बाद जो रात होती है वो बहुत ही मुश्किल से निकलती है, वो बिल्कुल एंडलेस लग रही होती है उन्हें। वो बहुत ही ठंड का टाइम होता है और वो पूरी रात पानी को बाहर फेंकने में ही लगा देते हैं और साथ ही में वो पूरी रात मेडे कॉल्स पर रिप्लाईज को गेन करने की कोशिश करते हैं। पर क्योंकि वो एक बहुत ही रिमोट एरिया में होते हैं, मतलब उनके आसपास कोई भी नहीं होता है, वो बहुत ही रिमोट कॉर्नर में वर्ल्ड के, तो उन्हें कोई सरप्राइज नहीं होता है कि उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है मेडे कॉल्स का। मेडे कॉल्स का मतलब होता है कि जब कोई शिप किसी प्रॉब्लम में फंस जाती है तो वो हेल्प के लिए दूसरी शिप्स को अप्रोच करने के लिए मेडे कॉल्स देते हैं। साथ ही में जो सुजैन थी उसके सर पर एक बम्प आ गया था, वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसकी आईज जो थी वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गई थी। साथ ही में उसके हाथ पर एक बहुत ही डीप कट भी था। जब ऑथर पूछते हैं कि उन्होंने उस कट के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया तो वो कहती हैं कि वो उन्हें उस टाइम पर जब इतना सब कुछ चल रहा था तब वो उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी जब वो उनकी जान बचा रहे थे। अब टाइम आता है जनवरी 3 का, सुबह का टाइम होता है। जो पंप्स होते हैं उनके
कारण जो वाटर लेवल था शिप के अंदर वो कंट्रोल के अंदर आ जाता है और साथ ही में उन लोगों को थोड़ी देर रेस्ट करने को भी मिल जाता है। तभी वो देखते हैं कि जो वाटर लाइन है उसके आसपास एक बहुत बड़ा लीक होता है। जब वो उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि जो मेन फ्रेम होता है उनकी बोट का वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो उनका पूरा स्टारबोर्ड का सेक्शन है वो सिर्फ कुछ कबर्ड पार्टीशंस के ऊपर ही टिका हुआ है। उसके बाद अब उस इंसिडेंट के 15 आवर्स के बाद जो वेव वॉकर होती है अब वो इतने अच्छे से नहीं चल पा रही होती क्योंकि वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और अब ऑथर कहते हैं कि अब वो ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वो अपने चार्ट्स को चेक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि वहां पर आसपास कुछ 100 किलोमीटर दूर कुछ छोटे छोटे दो आइलैंड्स होते हैं जिनमें से एक था एल एम्स्टरडेम जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। पर जो मेन चैलेंज था उनके लिए क्योंकि इतने वाइड और वास्ट ओशन में उन्हें एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना था जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और साथ ही में जो उनका ऑक्सिलरी इंजन था वो भी इस वेव के कारण बंद हो चुका था। अब टाइम आता है जनवरी 4 का और उस वेव को हिट किए हुए 36 आवर हो जाते हैं। तभी से वो पूरे टाइम कंटिन्यूसली पानी को ही बाहर फेंक रहे होते हैं और अब उनके बोट में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स का ही पानी बचा होता है। पर अब वो कोई भी सेल नहीं लगाते हैं अपने शिप के ऊपर क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि अगर वो एक सेल लगाएंगे तो उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा बोट पर वो जो उनके मेन मास्ट वो सीधा उनके हल के पार्ट को बाहर की तरफ तोड़ देगा। इसीलिए वो सिर्फ एक छोटा सा स्टॉर्म जिब ही लगाते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। साथ ही में इतने टाइम के बाद मैरी को कुछ कॉर्न्ड बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिलते हैं और वो ऑलमोस्ट 2 दिन में पहली बार कुछ खा रहे होते हैं। पर ये रिलैक्सेशन का जो टाइम था वो बहुत ही छोटा था क्योंकि शाम के 4 बजे फिर से ब्लैक क्लाउड्स आने लग जाते हैं और फिर उसके कुछ ही घंटों बाद जो विंड स्पीड है वो फिर 40 नॉट्स तक आ जाती है जो कि बहुत ही फास्ट विंड्स होती हैं और जो सी था उसकी जो वेव्स थी वो फिर ऊंची होने लग जाती है और जो वेदर थी वो अगले दिन तक और खराब होने लग जाती है। अब टाइम आता है जनवरी 5 का जब उनकी सिचुएशन बिल्कुल होपलेस हो जाती है। उस टाइम पर जो ऑथर होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस के पास जाते हैं। तभी जोनाथन उनसे पूछते हैं कि क्या हम मरने वाले हैं। तभी जो ऑथर होते हैं वो उन्हें अश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पर तभी जोनाथन कहते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है मरने का क्योंकि वो उनके अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ जिसे वो कहते हैं वी aren't afraid of dying if we can all be together you and mommy Sue and I। ऑथर जब ये सुनते हैं तब उनके पास कोई वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए। साथ ही में वो बहुत ही डिटरमाइंड हो जाते हैं उस सी से फाइट करने के लिए और वो सीधा जाते हैं स्टारबोर्ड साइड पर जो कि काफी वीक हो जाता है तो उसे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में वो इम्प्रोवाइज सी एंकर्स को यूज करते हैं और कुछ हैवी नायलॉन रोप्स को यूज करते हैं कुछ 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन के साथ आगे आने वाली वेव्स को स्टॉप करने के लिए। उसी दिन शाम को वो अपनी वाइफ मैरी के साथ बैठे होते हैं और वो साथ में हाथ पकड़कर बैठे होते हैं क्योंकि जो मोशन ऑफ वेव्स था उसके साथ पानी हर वेव के साथ अंदर आता जा रहा था और उन दोनों को लग रहा था कि उनका अंत अब काफी करीब है। पर जो वेव वॉकर होती है वो स्टॉर्म से निकल जाती है और अगले दिन जनवरी 6 को जो विंड स्पीड होती है वो भी धीरे होने लग जाती है और जो ऑथर होते हैं फिर वो चार्ट रूम में जाते हैं और विंड स्पीड्स को कैलकुलेट करते हैं और इस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं अपनी पोजीशन को और वो कुछ डिटरमाइन करते हैं कि वो कुछ 150,000 किलोमीटर वाइड ओशन में सिर्फ एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जब वो ये सब काम कर रहे होते हैं तभी उनकी बेटी सुजैन उस रूम में आती है। उनके जो सर पर जो चोट लगी थी वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से सूज चुकी होती है और उनकी जो आंखें होती है वो बहुत ही छोटी हो चुकी होती है उस बम्प के कारण जो सुजैन के सर पर था। और इस हालत में भी सुजैन अपने पापा को एक कार्ड देती है जिसमें कुछ कैरिकेचर्स बने होते हैं उनके और उनकी वाइफ मैरी के और सुजैन कहती है कि इसमें कुछ फनी पीपल हैं और इन्हें देखकर मुझे तो बहुत हंसी आई है, क्या आप भी इसे देखकर हंस रहे हो। साथ ही में अंदर एक मैसेज होता है कि वो उन दोनों को काफी प्यार करती है और वो उन्हें थैंक्स कहना चाहती है और वो ये भी उसमें लिखती है कि उन्हें हमेशा बेस्ट के लिए ही होप करना चाहिए और किसी तरीके से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। तभी जो ऑथर होते हैं वो अपने कैलकुलेशंस को चेक करते हैं फिर उसे रीचेक करते हैं और उस टाइम पर इन सभी कैलकुलेशंस को करते टाइम वो अपने स्पेयर कंपास को यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उनका जो मेन कंपास होता है वो खो गया होता है और उनका जो स्पेयर कंपास होता है वो भी मैग्नेटिकली करेक्ट नहीं किया हुआ होता है। साथ ही में वो वेस्टर्ली करंट्स के साथ जाने के लिए
डिसाइड करते हैं इंडियन ओशंस में और दिन के कुछ करीब 2 बज रहे होते हैं तभी वो लैरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने शिप को 185 डिग्रीज पर टर्न कर दें और अगर वो लकी हुए तो वो शाम के 5 बजे तक कुछ आइलैंड्स को देख पाएंगे। तभी जो ऑथर होते हैं वो काफी उदास होते हैं और वो अपने बंक पर जाकर लेट जाते हैं और अमेजिंगली उन्हें उस टाइम पर नींद आ जाती और सीधा वो उठते हैं शाम के 6 बजे और अब उन्हें लगता है कि क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि वो 5 बजे तक आइलैंड्स पर पहुंच जाएंगे तो उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद उन आइलैंड्स को पीछे ही छोड़ दिया होगा। पर तभी उनका जो बेटा होता है जोनाथन वो उनके बंक पर आता है और कहता है कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ और सूजन उसी टाइम उसके पीछे खड़ी होती है। तभी ऑथर होता है वो उनसे पूछता है कि वो उसे गले क्यों लगाना चाहता है। तभी जोनाथन कंटिन्यू करता है क्योंकि वो कहता है कि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो इस वर्ल्ड के। तभी जो ऑथर होते हैं वो जोनाथन को कहते हैं कि पर शायद आज मैं बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ क्योंकि शायद हमने उन आइलैंड्स को पीछे ही छोड़ दिया है। पर तभी सूजन कहती है एक फैक्टफुल वॉइस में कि हमें आइलैंड्स मिल गए हैं। तभी ऑथर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो सीधा बाहर जाकर देखते हैं कि जो दोनों आइलैंड्स जो आइलैंड था वो सीधा उनकी शिप के सामने था और वो आइलैंड उन्हें इतना बड़ा दिख रहा था जैसे कि कोई बैटल शिप हो और उस टाइम उन्हें सिर्फ एक आउटलाइन दिख रही थी एल एम्स्टरडैम की जो कि एक वॉल्केनिक रॉक का एक छोटा सा पीस है और उस पर बहुत ही थोड़ी सी वेजिटेशन भी थी। पर क्योंकि वो इतने टाइम से उस ओशन में ही घूम रहे थे और इतने टाइम बाद वो किसी लैंड के पीस को देखते हैं तो वो उसे सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड लगता है इस वर्ल्ड का। तो उस रात वो ऑफशोर ही रुकते हैं और अगले दिन सुबह वो उस आइलैंड पर उतरते हैं। तभी उस आइलैंड के पूरे 28 इनहेबिटेंट्स उन्हें हेल्प करते हैं शोर पर आने के लिए। जब ऑथर अपने पैरों के नीचे इतने टाइम बाद जमीन को देखते हैं तो उनके जो थॉट्स थे वो पूरी तरीके से लैरी हर्ब से भर जाते हैं और वो उनके बारे में सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी वो इतने चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहे। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उन क्रूशियल आवर्स में जब वेव ने हिट किया था तब पूरे टाइम व्हील को संभाला और साथ ही में सबसे ज्यादा वो सोचते हैं अपनी बेटी के बारे में जो कि 1-7 साल की लड़की थी और उन्होंने इसलिए अपनी चोट के बारे में अपने पापा को नहीं बताया क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं ऐसे टाइम में। और साथ ही में वो अपने बेटे जो कि 6 साल का था जोनाथन उसके बारे में भी सोचते हैं क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था जो उस टाइम पर उन्हें कहता है कि उन्हें मरने का भी कोई डर नहीं है। साथ ही में ऑथर ये भी बताते हैं कि जो उनकी बेटी थी उनके सर पर जो इंजरी थी उसे ठीक होने में 6 छोटे ऑपरेशंस लगते हैं जिससे वो रेकरिंग ब्लड क्लॉट को हटाते हैं उनके स्कल और उनकी स्किन के बीच में। तो इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।